तो ये मार्केट से हम नया लेके आए थे मिक्सर। मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट वीडियो में और वैसे भी लॉन्ग वीडियो में, जब मैं अपने यहाँ बरेली गया था तो ये मिक्सर लिया मैंने। और आपको बताएंगे और दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे इसकी फैसिलिटी क्या है, इसमें खास बात क्या है। और मिक्सर से इसमें कई चीज़ें मुझे ज़्यादा लगी और इको इसका बहुत ही दमदार लगा और अच्छा लगा। तो आपको हम ये चलाएंगे और दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्कैप ना करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मिक्सर के बारे में जो मैंने अभी खरीदा है। इस मिक्सर की अभी आपको इको दिखाएंगे, बहुत ही गजब की इको है। और काफी स्टूडेंट आप अलग से लगाते हो, जो इको वो लगानी नहीं पड़ेगी अगर आप ये मिक्सर ले लेते हो। तो मैंने ये मिक्सर दिखाया आपको, इसकी मिक्सर की इको बहुत ही ज्यादा गजब की है। और आज तक जितने भी मैंने मिक्सर चलाए हैं उनकी इको मुझे समझ नहीं आती, इको बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो आज हम इसकी इको के बारे में बात करेंगे और देख सकते हो कि इको इसमें मैंने इतनी खोल रखी है और कितनी इको दे रहा है, देख सकते हो। ठीक है, अभी मेरे स्पीकर जो है सामने लगा है, ठीक है, कैमरे के पीछे। अभी आपको दिखाऊंगा, एम्पलीफायर यहाँ लगा है, मिक्सर यहाँ पर लगा है, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी इको आप देख सकते हो, काफी गजब की इको है। आप खुश हो जाओगे, आपको अलग से डिले नहीं लगाना पड़ेगा, कभी इको वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना पड़ेगा आप अगर ये मिक्सर लेते हो तो। ठीक है, मैंने अभी लिया, इसका इको बहुत ही पसंद मुझे आया और आपको दिखाता हूँ। कुछ कलाकार हैं ज़्यादा मांगते हैं इको, तो उसके बारे में हम बताएंगे और दिखाएंगे मिक्सर की खासियत, फैसिलिटी जो भी है हम बताएंगे। जैसे कि ये मिक्सर है, ठीक है, काफ़ी मिक्सर में आपने देखा होगा कम होती है इको, और इसमें मैं एक बार बोल रहा हूँ और कई बार आवाज़ निकल रही। जैसे कि हम डिले यूज करते हैं मिक्सर में अलग से, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। हाले चेक, हाले 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 हाले, इतनी इको कभी किसी मिक्सर में मुझे देखने को नहीं मिली। काफी मिक्सर चलाए हैं, और आपके पास अगर ऐसा कोई मिक्सर है जिसमें इतना इको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हम दिखाते हैं अपना सेटअप और बताते हैं मिक्सर की फैसिलिटी के बारे में। जैसा कि ये हमारा मिक्सर रखा है, ठीक है, ये मिक्सर जो अभी मैंने लिया था, जल्दी मैं आपको दिखाया था वीडियो, और इसमें मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा था अभी, इसी एम्पलीफायर पर अभी चेक कर रहा हूँ। और ये हमारा स्पीकर लगा है, ठीक है, इसी स्पीकर पे मैं बोल रहा हूँ, और ये माइक है। तो ये मिक्सर जो मैंने लिया था उसे दिखाते हैं आपको, इसकी फैसिलिटी के बारे में बताएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है मैंने देखी, अच्छी लगी मुझे। सबसे पहली बात, ये मैंने नई बनाई है, देख सकते हो, ठीक है, इसमें दो आउटपुट लगती हैं, ये डीसीडी वाली, ठीक है, ये हमने बनाई दो, इसके लिए ये लगती हैं, ठीक है, दो यहाँ पर, और दो सीडी वाली लगती हैं। और आपको हम बताएं, अभी मैं जब मिक्सर लेने गया तो मैंने काफ़ी मिक्सर देखे थे, जब ईको मैंने इसका देखा तो मुझे ईको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और ईको के चक्कर में मैंने ये मिक्सर लिया, ठीक है, सभी वॉल्यूम है टोटल, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया, और ये ऑक्स हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, और ये मिड हो गया, ये ट्रेबल हो गया, ये पैन हो गया, ये गेन हो गया, ठीक है, ये सब वॉल्यूम है इसमें, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच तो ये बड़े बड़े हो गए, ये एक देखो जो स्लाइड है इससे दो दिए हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये दो हैं, ये आउटपुट चार ऊपर वाले हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, ये दो माइक हैं, ठीक है, ये सात माइक का है, कि सात माइक का है, 6 माइक का लेने गया था मैं। और काफ़ी मिक्सर मैंने देखे, ब्लूटूथ भी है इसमें, ठीक है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है, और सब वॉल्यूम है टोटल, काफ़ी मिक्सर मैंने देखे हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हो, इसमें इको है, ट्रेबल है, बेस है, और ये गेन है, इसमें मिड नहीं है, पैन नहीं है, ठीक है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं लाइव प्रोग्राम में जब करते हैं। तो ये जैसे मेरे पास स्पीकर सामने है, ठीक है, और ये माइक है, हाले चेक, हाले 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 चेक, हाले 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 हाले। कभी भी आप माइक सेटिंग कर रहे हो तो इस हिसाब से करो जिससे कि माइक सिटी ना दे ज़्यादा, एक बार प्रोग्राम की सेटिंग कर दो, बार बार छेड़ना ना पड़े। काफ़ी भाई लोग हैं जो माइक की सेटिंग उस प्रकार से नहीं जानते हैं, आपको मैं जो भी सेटिंग बताता हूँ तो उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि मिक्सर को ही आप पकड़ के बैठ गए, मिक्सर की सेटिंग कर ली, मिक्सर भी तभी सही चलेगा
जब एम्पलीफायर से आप आवाज़ सही खोलोगे। एम्पलीफायर में भी तो चार पांच वॉल्यूम दिए होते हैं, ट्रेबल, मिड, बेस और फिर मास्टर वॉल्यूम। मास्टर आप ज़्यादा ना करें, ठीक है, एम्पलीफायर से, और बेस ट्रेबल ज़्यादा ना करें, मिड ज़्यादा ना करें एम्पलीफायर से। उसके बाद आप सही से सेटिंग करें मिक्सर की, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, वो आपको यही आती है मिक्सर की। आप वॉल्यूम खोलते हो, सबसे ज़्यादा खोल देते हो आप एम्पलीफायर की। उसके बाद आप मिक्सर से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपका सीटी मारता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अभी मेरे पास इतने पास में स्पीकर लगाया, आपको सामने करके दिखाया, ऐसे पकड़ा था मैं जिससे कि बटन ना बंद करूं। मैंने कई बार दिखाया है, लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है। लाइव प्रोग्राम में भी मैं दिखाता हूं, और कभी भी मुझे तो प्रॉब्लम आती नहीं, आपको आती है। तो आप उससे सीखो कैसे करना है हैंडल, ठीक है। सबसे बड़ी कमी जो है हम खुद में होती है, जो हम समझ नहीं पाते हैं अपने सेटअप को। सेटअप को एक बार आप समझ लेते हो कि हमें किस हिसाब से सेटिंग करनी चाहिए, आप खुद अपनी शॉप पर सेटिंग करो, चलाओ, उसके बाद कहीं लाइव प्रोग्राम में लगाओ, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो आप देख रहे हो इको है, मैंने ज़्यादा खोल रखा है इसका, ठीक है, मगर इसलिए खोल रखा है आपको पता लग जाए वीडियो में, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा खोल रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अगर मिक्सर ले रहे हो तो इसमें का आप ले सकते हो। ये अभी मैं दिखाता हूँ कि नंबर क्या है इसका, तो देख सकते हो ऑलटेक का F7 है ये, ठीक है, ये आप ले सकते हो। इसका इको जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, अच्छा लगा। तो जो मिक्सर है वो कोई सा भी हो, सबकी सेटिंग सेम होती है, मगर जो वॉल्यूम वॉल्यूम है वो कहीं के कहीं दिए होते हैं, कहीं के कहीं, ठीक है। 1 मिनट आपको समझने में लगता है, आप अगर सही जानते हो मिक्सर की नॉलेज है आपको तो, ठीक है। मिक्सर का एक्सपर्ट बनना है तो आप खुद एक्सपेरिमेंट दुकान पे करो, अपनी शॉप पर करो, उसके बाद आप लाइव प्रोग्राम में बजाओ जाकर, ठीक है, आपको सफलता हासिल होगी। और ऐसे आप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।